इसमें काफ़ी। इसी तरह एक सवाल जो हम बिस्तरी क्या सिर्फ रात में कर सकते, चूँकि मैं रात की बातें कर रहा हूँ जब से, नहीं इसके ताल्लुक से कोई दिन और कोई रात की क़ैद नहीं है। जैसा कि एक रिवायत आपने फरमाया कि कोई औरत अपने शोहर की इजाज़त के बग़ैर नफिल रोज़े ना रखे। दूसरी एक हदीस सुनी, आपने फरमाया जब कोई नौजवान किसी औरत को देखे जिस पे जिसकी तरफ उसका दिल मायल हो जाए तो वो अपने घर फ़ौरन जाके अपने बीवी से वो काम कर ले, इसलिए कि उसके पास जो है उस औरत के पास इसके पास भी वही है। तो जाहिर सी बात है हर बार रात में ही देख के नहीं आएंगा, दिन में भी देख सकता और आ जाए घर पर, है ना। इससे मैं जो बात निकाल रहा हूँ वो ये है पहली कि रोज़े नफिल रोज़ा औरत मर्द की इजाज़त से मतलब अपने शोहर की इजाज़त के बगैर ना रखे। क्यों? इसलिए हो सकता है उसको ज़रूरत महसूस हो और आप रोज़े से हो तो मुश्किल हो तो पूछ ले, इससे पता चला दिन में भी कर सकता है। दूसरी रिवायत वो जिसमें आपने फरमाया जब किसी लड़की को देखे और इंसान का दिल उस तरफ जाए तो फ़ौरन अपने घर जाए, इसलिए कि जो उसके पास है उसकी बीवी के पास भी है, तो इसे पता चला दिन में भी की जा सकती है याद रखी, लेकिन रात में भी आप कर सकते हैं और बेहतर है इसलिए कि इंसान तमाम मसरूफियात से फारिग होकर रहे। लेकिन फिर भी शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई तो मैं कौन होता हूँ पाबंदी लगाने वाला, लिहाजा आपको इसकी इजाज़त है। तो ये सवाल कब कर सकते हैं, दिन रात सुबह और शाम, आपके लिए कोई मसला नहीं है। बस अपनी नमाज़ों की एहतियात और पाबंदी का देखिए क्या मामला है कि गुस्ल करने का वक्त मिले, नमाज़ों को जाने का आपको वक्त मिले, वो बहरहाल आपका अपना मामला है। ठीक है, इसके अलावा जो है